आपको एक बात बता देता हूँ मैं, शेर गोबर नहीं करता, शेर लेंड करता। ये देखिए वो कोबरा कहीं कैसे प्लेस से डाल के बैठा हुआ है। इधर आओ, इधर इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ। ये वीडियो हमने किसी भी जानवरों को हानि नहीं पहुंचाई है, ये सिर्फ फन के लिए बनाई गई है। आज हम आ चुके हैं मैन वर्सेस वाइल्ड के ऐसे एक एडवेंचर मैदान में, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ है क्रिश और आपके साथ है सैम। साथ जो क्रिश आए हैं ये 12 साल कमांडो में भी रह चुके हैं। अब इनका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, अब इनसे पूछ लीजिए, इनको सब कुछ मालूम है। तो गाइस तो इतना ये सैम जी बता चुके हैं, तो हम आगे जाएंगे आपको जीने के लिए क्या क्या हमें जहाँ पे रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो गाइस हम आपको आगे जाके बताएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे हम इन घने जंगलों में रह सकते हैं और इधर जंगलों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट वीडियो, तो गाइस हमारे पीछे पीछे आ जाइए। तो ये हमारे साथ है गाड़ी हमारी, गाइस हमारे साथ है गाड़ी, हमारी सेफ्टी के लिए रखी गई है, तो हम हमारी सेफ्टी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो कॉल कीजिए, हमारा नंबर वो रखा है उनके साथ 9797 6 5, आगे पता नहीं क्या है, तो गाइस हम आपको आगे बताएंगे। तो ये हमारे साथ ही है स्पोर्ट के लिए, तो हमें कोई ना। गाइस आज के ऐसे एडवेंचर ब्लॉग में हम आपको दिखाने आ चुके थे ये जंगल की घनी वादियाँ। ये मेरी लाइफ का पहला एडवेंचर ब्लॉग है और इस एडवेंचर ब्लॉग के साथ मेरे साथ आ गए हैं क्रिश जी, और इनके सहारे सहारे मैं भी आ चुका हूँ ब्लॉग बनाने, नहीं तो मैं नहीं आता मैन वर्सेस वाइल्ड के ब्लॉग बनाने। और मुझे लग रहा था बहुत डर और इनको पता नहीं लग रहा था, इनसे पूछ लीजिए फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा क्योंकि मैं इधर मेरा रोज आना जाना ही रहता है, तो इसी जंगलों में मैं बड़ा हुआ हूँ और इसी जंगल में मैं अपने जानवरों के साथ रहता हूँ। तो गाइस यहाँ जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस हम आके जाके बताएंगे। फिर भी इनको बहुत डर लग रहा है, तो फिर हम आपको डर के उपाय, डर ना लगे उसके लिए उपाय बताएंगे। हम अपने डर के लिए हम अपना जुगाड़ अपने साथ लेके आए हैं, तो गाइस हम दोनों इसका इस्तेमाल करेंगे पूरी अच्छी तरह से। चलो करते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये छोटा बोट का है, ये देसी रम है, इससे कुछ भी नहीं होता, पर इससे डर जो लगता है वो बड़ी अच्छी से मतलब भाग सकते हैं हम। ये देखिए तो आपको डर लग रहा था गाइस, पी लो गाइस, मैं तो बाद में पीऊंगा यार, ऑडियंस है मेरी, ऐसे थोड़ा ना पी सकता हूँ। सो गाइस ये आप देख सकते हैं हमने पूरा पूरा फिनिश कर लिया दोनों, अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा हूँ मैं ही इस जंगल का शेर हूँ। आप ये देख सकते हैं गाइस, आइए गाइस, तेरी मां की, आइए गाइस, आ जाइए गाइस, हमारा पीछा कीजिए, वकब वकब हमारा पीछा कीजिए। आप देख सकते हैं जंगल की पानियों में, घनी वादियों में गाइस हमारे साथ हमें मिल चुकी है हमारे दुखों की समाधान मिल चुका है। तो गाइस देख सकते हैं गाइस, हम आगे आपको क्या चीजें दिखाएंगे, हम आपको जंगल के बीच में घुस के बताएंगे। गाइस इधर आइए, हमें गाइस मिल चुका है यहाँ का सबसे डेंजरस मधुमक्खियों का छत्ता, ये आप देख सकते हैं गाइस, वहां पर जूम करिए, आप देख सकते हैं गाइस, इसको हम लास्ट में जाते जाते इसका कोई समाधान करते ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, तो एक लड़ेगी तो हमारा पूरा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा, इसी बात के लिए इसका हम पूरा साया दिखाएंगे जाते वक्त। जाते गाइस हमारे क्रिश कमांडो जी आगे आगे जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरे कैमरा मैन जी भी आ रहे हैं ब्लॉक। तो दोस्तों हमें एक चीज मिल चुकी है जो कि बड़ी खतरनाक लग रही है, क्योंकि हमने इसको नेट पर सर्च मारा था, ये तो किंग कोबरा के अंडे हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस, इसको हमने इसको हाथ लगाया था तो बीच में से शेड आ रही थी सूं सूं की, आप ये देख सकते हैं बीच में, हमारे कमांडर जी इसको खोल के एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने, आप ये देख सकते हैं गाइस, पता नहीं क्या निकलेगा। कैमरा मैन जी थोड़ी पीछे पीछे रखो, मैं भी पीछे पीछे, इनको तो एक्सपीरियंस हो गया अभी। तो गाइस हम इस बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, जे कोबरा के अंडे हैं, जो कोबरा जो अभी घने जंगलों में कहीं घूम फिर रहा है अपने खाने के लिए, तो अपने खाने के लिए वो ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ, तो गाइस ये उनके बच्चे हैं, हमें इस अंडों से दूर ही रहना चाहिए, क्या पता वो हमारे पास ना आ जाए, कहीं हमें ढस ना ले। तो गाइस हम आपको ये आते वक्त जरूर दिखाएंगे कि ये कोबरा के बच्चे जो हैं कैसे बड़े होते हैं और अपना खाना पीना कैसे ढूंढते हैं, तो गाइस इनको हम रहने ही देते हैं, इनको हाथ मत लगाना। स्टार्ट करते हैं आगे। हम यहां से जा रहे थे, आगे हमारे कमांडर जी को एक टाइटैनिक जहाज का टुकड़ा मिला है, ये आपको दिखाएंगे इसका पूरा फुल रिव्यू, आप ये देख सकते हैं गाइस इसको,
दिखाइए हमारे कमांडर जी। ये देखिए, ये हमारा पुराना जहाज गिरा हुआ था, जिस वक्त हम अपने हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, तो आते वक्त जहाँ घने जंगलों में ये फंस गया था और जहाँ पे क्रैश होके जहाँ टूट गया था, तो आप देख रहे हैं तो कितने ये सामान गिरा हुआ है, तो आगे भी बिखरा हुआ है, तो वो देखिए आप, वो भी हेलीकॉप्टर का ही सामान है जो हमारे हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था और क्रैश हो चुका था। तो गाइस ये पहले पुरानी बात है, तो अभी हम नए और देखेंगे आगे जंगलों में क्या मिलता है, घने जंगलों में हमने सीखना है, जहाँ अपने जंगलों में हमें कैसे रहना है, खाना पीना कैसे, हमने इन घने जंगलों में जीवित रहना है। तो गाइस हमारा पीछे कीजिए आप, हम आपको बताएंगे नई नई। तो गाइस आ जाइए हमारे गाइस, वो देख सकते हैं आप वहाँ पर कुछ हिल रहा है झाड़ियों में, मैं चेक करता हूँ क्या है। गाइस आ जाइए मेरे पीछे, गाइस आ जाइए जल्दी जल्दी, गाइस आ जाइए, वो देखिए क्या है इसके पीछे, मुझे तो जंगली जानवर लग रहा है, बहुत सारी वाली कुछ भी नहीं टूट पर देखो कुछ, मेरे कमांडर जी मैंने भी देखा ये मेरे साथ ही वहां से दूर के आए फटाफट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर था कुछ, अभी हम देख रहे हैं इसको। क्या 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 बताओ है कुछ, मारो ठीक हो रहा। तो गाइस हमें वही डर था जो हमने देखा अभी, हम पीछे अंडे दे के आए थे, वही किंग कोबरा इस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो अभी भाग चुका है अभी देख, मगर आगे हमें देख के और होशियार बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि किंग कोबरा हमारे आसपास ही खड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमें डर लग रहा है कि हमारे पीछे ना आ जाए। किंग कोबरा बहुत ही लंबा, कम से कम 8 फीट का लंबा किंग कोबरा था, तो हमें डर लग रहा है, फिर भी हम होशियार होके आगे चलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। गाइस हमारे कमांडर जी को कुछ काली काली वस्तु मिली है, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या मिला है, आ जाइए। कमांडर जी क्या मिला आपको? गाइस ये कुछ ताज़ा ताज़ा फ्रेश लग रहा है हमें, तो हमें ये लग रहा है कि कहीं शेर का कहीं गोबर ना गिरा हो और कहीं ये उसी का खाया पिया हजम हुआ बाहर निकल चुका है। तो गाइस अभी ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, तो ये कहीं हमारे आसपास ही है खड़ा है कहीं। गाइस आपको एक बात बता देता हूँ मैं, शेर गोबर नहीं करता, शेर लिंट करता है, आपको सबको पता होना चाहिए, ये आपकी नॉलेज की बात है। तो ये क्या है, गोबर है कि लिंट? मेरे ब्लॉग में इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मुझे गोबर का लिंड मिला है, देख सकते हैं एक बार फोकस करके। ओ भाई साहब क्या लिंड है, बहुत ही खतरनाक लिंड है ये, तो ये शेर का ही है, तो आगे जाके देखते हैं शेर कहाँ पे मिलता है हमें। आ जाइए, शेर भी मिलेगा आगे, आ जाइए हमारे पीछे, कमांडर जी ने मुझे पूरा बताया है यहाँ पे क्या क्या मिलता है। गाइस हम इस घने जंगल में फंस चुके हैं, तो हमें रास्ता का कुछ पता नहीं, हम कहाँ से निकले बाहर, तो हम इन घने जंगलों में पता नहीं लग रहा है कि हमें क्या खाने के लिए मिलेगा क्या कुछ नहीं। गाइस हमें अगर जीने के लिए कुछ खाना पीना पड़े, तो ये देखिए पत्ते हैं जो, इन्हें खा के हम जीवित रह सकते हैं, और हमें जीने के लिए क्या क्या अच्छे पत्ते खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस घने जंगलों में जहरीले पत्ते भी होते हैं जिसे खा के हम मर भी सकते हैं। तो गाइस ये है सफेद का पत्ता, सफेदे का पत्ता जिसे हम खाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, तो हम इसे अपने जीने के लिए हम खा रहे हैं इसे। गाइस ये आप देख सकते हैं ये सफेदे के पत्ते को खा रहे हैं, मैं सफेदे को छिलके को खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। तो अगर आपको पेड़ की पहचान ना हो, आप इस पेड़ की शाखा को देखिए कैसी शाखा है, जो इसके खाल को देखिए कैसी शाखा है, और इसके पत्ते को देखिए जी कैसी शाखा है। ये आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बहुत सारे बूटे हैं, बूटे पेड़ है यहाँ पर बहुत सारे, ये इसकी आप देख सकते हैं इसकी लेंथ से ही इसकी पूरी मतलब इसकी पहचान हो जाती है, इसकी लेंथ देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, ये जो छिलका है इसको ऐसे करके उतारना है, बीच में कुछ भी निकल सकता है, बकरे का पत्ते छिलका। हमें अगर जीवित भी रहना हो ये छोटे छोटे
कीड़े हमें दिखाई दे रहे हैं जो लाल रंग के होते हैं। तो गाइस आप इन कैमरामैन पे फोकस कीजिए, ये कीड़े हमें जही कहीं भी मिल सकते हैं हमें खाने के लिए, ये अच्छे हैं तो हम खाने लगे हैं इसको। माइक्रोस्कोप से दिखते हैं ये आपको। तो गाइस हमें इस कीड़े को खाने लगे हैं। तो गाइस बोलिए जुबान कैसी, बोलिए जुबान कैसरी। तो गाइस अच्छा लग रहा है, प्रोटीन हमें। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, हमें थोड़ा थोड़ा साफ साफ रास्ता मिल रहा है। आगे की ओर बड़ा गहरा जंगल है, यहाँ पर कुछ ही मिल सकता। अभी हमको शेर या चीते के दर्शन जरूर होंगे, हम उनके सामने मत्था टेकेंगे, जो आप देख सकते हैं आगे चल के। कमांडर जी आप आगे हो जाइए। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, ये तो सांप है गाइस, बहुत ही खतरनाक सांप है, ये वही एनाकोंडा है, एनाकोंडा क्या है। तो गाइस हमें मिल चुका वो किंग कोबरा जिसे हम तब से ढूंढ रहे थे। तो हमें डंडा लेके आइए, कैमरामैन हमारा पीछे कीजिए, जल्दी आ जाइए। कैसे देखिए वो किंग कोबरा कहीं कैसे प्लेस में डाल के बैठा हुआ है गाइस, बहुत ही खतरनाक। तो गाइस ये देखिए किंग कोबरे को मारते हुए हमारे बंदे, गाइस इन्होंने किंग कोबरे को पकड़ लिया है गाइस, क्या मारते हो गाइस, बहुत ही खतरनाक तरीके से किंग कोबरा का वध करते हुए गाइस। मेरे को लग रहा है किंग कोबरे की टट्टी निकाल देंगे किंग कोबरे को गाइस, क्या कर रहे हैं गाइस, पागल हो गया लग रहा है किंग कोबरे की एक एक जान लेंगे। और गाइस आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से किंग कोबरे का सफाया कर चुका है। किंग कोबरे को एक पूरी शॉट पड़ी है हमारे से, बहुत गंदी शॉट पड़ी है उसको, वो भाग गया, अभी वो डैमेज हो चुका है, हम उसका पीछा तो नहीं कर सकते, उसकी स्पीड बहुत थी गाइस। अभी हमारे कमांडर जी बोलेंगे मुझे सांप चढ़ गया है। वो सांप बहुत ही बड़ा था मगर वो कोकिंग कोबरे का बच्चा था, तो इसलिए हमने आधा जिंदा छोड़ दिया। हम आगे जाके बताएंगे वो किंग कोबरा बड़ा वाला कहाँ छुपा हुआ है, तो अभी तक हमने छोटे को मारा है, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा सांप दिखेगा, कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है वो। तो गाइस हमारा पीछा कीजिए, हमारे पीछे सामने की ओर कुछ है, कुछ हो है। शेर नहीं है यार, मुझे सूअर लग रहा है गाइस, ये जंगली सूअर है, भागो। इधर आओ, इधर से आओ, पीछे आ रहा है, इधर आओ कैमरामैन, पीछे आओ। हमारे पीछे शेर पड़ चुका है गाइस, हमें डर लग रहा है, जल्दी आ जा, वो पीछे लग चुका है यार, भाग जल्दी। हमें बहुत ही बड़ा शेर दिखा हमें, तो हमें अपनी जान बचाते हुए वापस आए हैं, तो हम बहुत ही थक चुके हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं हम इसी के साथ। अगर कल हो सकेगा तो जरूर आएंगे, अभी तो गाइस हमारी बुरी हालत है। बाय, कुछ बोलना चाहे तो बोल। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अगर चाहते हो तो हम भी कुछ नया करें, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर देना मोर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।